नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर और आज हमारे साथ है जिया चौधरी। हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिर से बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड 34 का रिव्यू। तो आपको कैसा लगा एपिसोड? बहुत अच्छा एपिसोड था। कल के एपिसोड में मजा आया? हाँ। क्या बेसिक ट्विस्ट एंड टर्न्स थे उस पर भी डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले जस्ट दे देते हैं अपनी ऑडियंस को कि क्या था कल के एपिसोड में। तो एपिसोड शुरू होता है बेसिक घर वालों की हंसी खुशी से, जहाँ अरमान एक्सरसाइज कर रहे होते, शिवानी चप्पल बजा रही होती, फिर शिवानी एक्सरसाइज करते तो अरमान स्लीपर्स पे क्लैप करते। बिग बॉस ने हेड ऑफ द हाउस को नॉमिनेशन की प्रक्रिया का एक हिस्सा बनाया। उनसे 3 लोगों के नाम पूछे कि वो किनको नॉमिनेट करना चाहेंगे, जिसमें से वो अरमान को सेव भी कर लेते, फिर उसके बाद वो 3 लोगों को नॉमिनेट कर देते। टास्क होता है राशन को लेकर के, जहाँ पे राशन ले जाना, बिग बॉस राशन घर का सारा ले लेते हैं और वो वहाँ पे कहीं ना कहीं शिवानी जो है अपना एक अभरू छुपाती है, जो कि बिग बॉस के कहने की वार्निंग के अगेंस्ट भी होता है। राशन के लिए घर वालों के बीच में बहस होती है। आगे जब हम चलते हैं तो उसमें पता चलता है हमें कि लवकेश जो है, विशाल और शिवानी नॉमिनेट भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और रणवीर कहीं ना कहीं हम लोगों को उस टास्क में जहाँ पे वो संचालक बनते हैं अनफेयर भी दिखते हैं। उसी को लेकर के आगे बहस भी थोड़ी बहुत दिखने को मिलती है और कहीं ना कहीं शिवानी का आपको एक अलग रूप भी देखने को मिलेगा। तो ये था बेसिक जिस्ट ऑफ द एपिसोड। आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स थे उसमें। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ इससे रिलेटेड, अगर जैसे शिवानी और रणवीर की बात चल रही है, अब एक चीज़ बताओ, जैसे हुआ जो भी रणवीर ने करा, क्या आपको क्या लगता है कि शिवानी ने उसके बाद ये अमरूद छुपाया जान पूछ के कि हाँ बाद में उसे यही लग रहा था ना कि मेरी की थोड़ी कोई गलती है, रणवीर हेड ऑफ द हाउस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि शिवानी ने बिना वजह वो फालतू में उन्होंने ऐसी हरकत करी जो कि अगेंस्ट द गाइडलाइन भी, पर मुझे ऐसा लगता है वो उन्होंने फन वे से करी थी, पर लेकिन वो बाद में उनसे उल्टी पड़ी। मेरे को लगता है बिग बॉस कुछ ज्यादा ही आजकल स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा घर चल रहा है। I don't agree on this, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज अगर आपको गाइडलाइंस के ऊपर बताई गई है, आप उसी में अगेंस्ट में करो, आप उसको अगेंस्ट में करोगे, फिर बाद में बोल दोगे कि मैंने ये फन वे में करा था, तो शायद वो तो चीज गलत है कहीं ना कहीं। पर उसको ये था कि रणवीर पे उल्टा पड़ेगा, जो कि पड़ा नहीं, उस पे उल्टा पड़ गया। ये वो उसकी परसेप्शन है ना, कि अगर आप कुछ गलती कर रहे हो, जैसे सना मकबूल वाली और विशाल वाला अगर हम बात करें कि उनका जब बाहर वाला बनाया गया था तो वो पता चल जाता, उनको ये सोचता है, दिक्कत पूरे घर वालों को ही थी जब गैस कनेक्शन कट गया था, उन्होंने भी शायद ये सोच करके करा, बट ये चीज गलत है अगर आप उसकी बात करें तो। मेरे को ये गलत नहीं लगी सच बताऊं तो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है एक फन वे में हुआ था और बिग बॉस को भी थोड़ा फन वे में लेना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने एकदम से ऐलान करा कि हम देने वाले थे, फिर भी उन्होंने दिया ना राशन। हाँ। या तो वो अपनी बात पे टिके रहते। एक चीज हमें और देखने को मिली बिग बॉस की तरफ से कि अगर अरमान मलिक पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड हैं है। तो उनको वो कैसे बचा सकते हैं। नॉमिनेशन का मतलब पूरे सीजन का यही हुआ कि वो नॉमिनेटेड हैं, उनको हम नहीं बचा सकते किसी भी तौर पे। आपने भले वीटो पावर भी रणवीर को हाथ में दे रखी हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो नॉमिनेटेड है आप उसी को कैसे बचा दे रहे हो। और दूसरी बात तो है कि सना मकबूल के बारे में इतना फेयर क्यों हुआ है। और आप सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने किसी को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट करा है, फिर आप वीटो पावर वाले से पूछ रहे हो, तो वो तो हर बार उसको बचाएगा क्योंकि उसके फेयर रिलेशन है, तो फिर आपके वर्डिक्ट का कोई वो नहीं रहेगा इंपॉर्टेंस। आपको ऐसा इस पर क्या लगता है? मेरे को ये ना थोड़ा गलत ही लगा है कि मतलब एक तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि पहली बार तो आएगा ही क्यों उनका नाम, और रणवीर को बुलाना और एकदम से उससे ही पूछना, तो ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट लग रही है मेरे को। अब वीर अरमान को ही बचाएंगे, ये बात सारी एक्सपेक्टेड थी। बाकी रही बात, मेरे को ये पूछना है सना मकबूल के साथ जो हुआ है, बिग बॉस ने जो उनका करा है कि बेफालतू में उनका फेवरिज्म हुआ है, ये ठीक था? सना मकबूल की तरफ से अगर हम बोले तो सना मकबूल है बहुत क्लेवर गेम खेल रही है। वो अपनी एक वो जो 3 लोगों का ग्रुप बना करके चल रही है, कहीं ना कहीं अगर हम तीन लोगों के ग्रुप की बात करें तो उन तीनों में भी कॉन्फ्लिक्ट हुई, विशाल के बीच में, लव कटारिया के बीच में और सना मकबूल के बीच में। वो सिर्फ चाय पत्ती को लेकर के, चाय पत्ती या कॉफी जो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, पर वो ठीक था। उन्होंने लवकेश उस टाइम समझ नहीं रहा था, पर उन्होंने इस मकसद से करा था कि हम चाय कॉफी ले लेते हैं, दूध इनके पास है, क्या कर लेंगे उसका, ब्लैक टी पी लेंगे। ब्लैक टी भी तो उसके लिए टी तो होनी चाहिए। चाय पत्ती दे रहे थे, दूध नहीं दिया था। चाय कॉफी वो ले रहे थे, दूध उनके पास था, उन्होंने बोला था कि हम चाय कॉफी रख लेते हैं, दूध उनके पास जान देते हैं, वो खाली दूध का क्या करेंगे। विदाउट दूध की पीते ना, तो वो वही तो बोल रहा था कि लव कटारिया भी वही बोल रहा था कि हम में से कोई पीता नहीं है, मैं तो फिर भी पी लेता हूँ, बट तुम लोग पियोगे नहीं तो लेना क्यों चाहते हो। बट कहीं ना कहीं आपको लगा कि रणवीर जो है लव कटारिया के बीच में अगेंस्ट जा रहे थे, बहुत जा रहे हैं वो, बेफालतू का जा रहे हैं। और मुझे ना दूसरी बात ये लग रही है, जब से वो हेड ऑफ द हाउस बने हैं वो अलग ही अपना एक गेम चलाना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं सब घर वाले उनके हिसाब से चले। जैसे सुबह स्टार्ट हुआ कि उन्होंने बोला ब्लैंकेट फोल्ड कर दो, आज से पहले क्या ब्लैंकेट फोल्ड नहीं हो रहे थे?
तो फिर ये वो इतना क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो ज्यादा ऐसे ऐसा लग रहा है एक स्कूल चला रहे हैं रणवीर, और वो उनके सारे स्टूडेंट्स हैं घर के सदस्य। कल रणवीर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया है बिग बॉस में, अगर आप उसे पूरे एपिसोड को देखें तो उसमें वो बोलते हैं कि मुझे 25 लाख रुपए से मतलब है, टॉफी का क्या मैं अचार डालना है, तो उस पे क्या लगता है आपको कि क्या ये स्टेटमेंट, जो कि मेरे को लगता है कि हाँ वो यही करना चाह रहे हैं, पर फिर वो फिर इतना क्यों कर रहे हैं, उन्हें इतना पार्टिसिपेट जिस हिसाब से वो कर रहे हैं वो सबको। पर मुझे ये बात बहुत अच्छे से लगती है, अगर अरमान और रणवीर रहा तो अरमान ट्रॉफी लेंगे और रणवीर सिर्फ 25 लाख, ये बात कल दिख गई। ऐसा ऐसा तो अरमान होने भी नहीं देंगे ना कहीं ना कहीं। और बात करें साई केतन की, जो टास्क हो रहा था उसमें भी बहस हो रही थी, साई केतन का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो बस बैठे हुए या कुछ नहीं हुआ। तो ये था एपिसोड का रिव्यू आपके लिए, ऐसे ही और भी रिव्यूज के लिए हम आपके सामने लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।